हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी? एक्सप्लेन। बच्चों यहाँ पे पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा चार्जेस का। की कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चार्ज होता है वो बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज चार्ज। ठीक है, इस चार्ज मतलब चार्ज सारे मैटर में प्रेजेंट होते ही है, लेकिन ये कभी फ्री नहीं होते। नो चार्जेस आर फ्री। तो ये फ्री नहीं होते तो क्या होता है, दे आर इन पेयर्स। दे आर इन पेयर्स, ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब ये है कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स बोलते हैं, नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगा उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है। अब इसके ऊपर से हम ये आंसर करने की ट्राई करते हैं। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ये वैसे अनस्टेबल होगा लेकिन हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि देर आर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये ले आता हूं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो इसके जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके बॉडी में उसको अपनी ओर खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर रख देगा। तो ये देख के हमें पता चलता है कि देयर विल बी एन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं सो वी कैन से दैट चार्ज बॉडी कैन विल अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी। क्योंकि यहां पे देखो प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। मतलब रिपल्सिव फोर्स वुड बी लेस देन अट्रैक्टिव फोर्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन से चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।